ऐसे अपलोड करते हैं करने में, इसमें भी तो बहुत पैसा है तो जो जानता है। डोंट वरी, यू आर इन नागालैंड, इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ इवन इंडिया, प्लीज गो ऑन स्पीकिंग। वैसे आप देख रहे हैं पीपो, मैं हूं आकाश। गाइस, पारस सिंह GTX प्रीत और 420 गेमिंग के बाद अब एक बहुत बड़े इंडियन टीवी जर्नलिस्ट ने एक ऐसी टिप्पणी करी है जो आपको शर्मसार कर देगी, हैरान कर देगी। राहुल कवल, हाँ जी राहुल कवल ने ये जो बोला है वो बहुत निंदनीय ही नहीं, बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और इसलिए है क्योंकि पारस सिंह ने जो बोला वो 21 साल के हैं, वो गेमर हैं, समझा जा सकता है। और मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि उनको एक सेकंड चांस मिलना चाहिए। उनको अरुणाचल प्रदेश लेके जाया गया, उनको अब बताया जा रहा है, जैसे आप फुटेज में देखेंगे उनको क्लासेस मिल रही हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कैसा है। उनकी थोड़ी बहुत जेल में भी क्लास लग रही है जैसा आप देख रहे हैं। और बड़ा आदमी मिनिस्टर MLA को कुछ बोला था क्या? हाँ, उनको बोला था। क्या क्या बोला? कि इंडिया के नहीं लगते, बस ऐसे बोला। इंडिया, इंडिया के नहीं लगते। और इंडिया का नहीं लगता ना, वो है ना उनका सबसे, उनसे सर बात हो गया सर। तो इंडिया का कहाँ लगेगा? हम लोग तो देखो तो चाइना और हम ये अरुणाचल तो थोड़ा सिमिलर है, मिलता जुलता है। तुम लोग बिहारी और पंजाबी मिलता जुलता नहीं? आपका ये बांग्लादेश का आपका वहाँ का वो लोग पूरा बंगाली लोग पूरा मिलता है क्या? वो लोग को बांग्लादेश बोलेगा क्या? नहीं सर, गलती हो गया सर। इसलिए देखो चाइना पूरा मिलता जुलता है ना, पाकिस्तान का, कश्मीर का पाकिस्तान का रहता है, उसको सबको क्या ये पाकिस्तान का बोलेगा क्या? सर नॉलेज नहीं था सर, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा सर। नॉलेज नहीं था होता है। जबकि पारस सिंह ने माफ़ी मांग ली थी और उसी प्लेटफॉर्म पर माफ़ी मांगी थी जिस पर उन्होंने ये रेसिस्ट स्लर करा था। GTX प्रीत, 420 गेमिंग, वो भी बच के निकल गए। 420 गेमिंग स्टिल ही वॉज यंग, बट GTX प्रीत इज अ मैच्योर गाय। पर दोनों ने माफी मांगी। बहुत बहुत गलत चीजें बोली, आप सब लोगों से सॉरी फील करता हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज लॉट ऑफ अवेयरनेस ऑलरेडी, बहुत बात हो चुकी थी इस बारे में और लगा कि लोगों को समझ में आ गई होगी। पर अब इतने बड़े इंडियन टीवी जर्नलिस्ट जो कि 40 साल के हैं, नासिक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं एंड लुक्स लाइक अ वेरी लर्नड मैन, इतने टाइम से इतने सारे मुद्दों पे अपनी प्रतिक्रिया, अपनी ओपिनियन रखते आए हैं, उनसे ये चीज जो आप अब देखेंगे। That part is tricky. Rahul, my electricity here. Don't worry, you're in Nagaland. Electricity goes off even in India. Please go on speaking, Rupen. We'll just listen to what you're saying. So normally, I would term it like a faux pas. Faux pas is like a embarrassing remark, जिसको आप बोल के खुद भी embarrass होते हो और दूसरे को भी embarrass करते हो in a social context, in a social situation. But हैरान करने वाली बात है, that is the faux pas, and if we can leave this remark, then why some of the YouTuber community, which is not that learned, is in the jail or has seen so much of backlash? और अगर उनको बैकलैश मिला है तो ऐसे लोगों क्यों नहीं, बस क्योंकि वो बड़े लोग हैं? आप बेकार में फंस रहे हो, आप सोचो बेकार में फंस, ना तुम चोरी किया ना वो भी नहीं, चोरी किया है वो भी नहीं, ना बदमाश किया है, ऐसे भी क्रेम पास। कोई बंगाल के बारे में बोलता है तो कोई अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोलता है, कोई नागालैंड के बारे में बोलता है, और अगर आप बड़े हैं तो आपको कोई कुछ भी नहीं करता, पर अगर आप छोटे से यूट्यूबर हैं तो आपको जेल में भी डाल दिया जाता है, आपकी क्लास भी लगती है। तो घर में क्या करता है आप? सर कुछ नहीं, वही वीडियोस बना के सर अपलोड करते हैं। इसमें कितना कमीशन मिलता है ऐसे अपलोड करते हैं करने में? इसमें भी तो बहुत पैसा है तो जो जानता है। और आपको बहुत सारा बैकलैश भी फेस करना पड़ता है, आप सॉरी भी बोलते हैं और रोते भी हैं, और आपके घर वाले भी रोते हैं, और हमारे जैसे यूट्यूबर आप में बरस पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, पर इनका क्या? डोंट वरी, यू आर इन नागालैंड, इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ इवन इन इंडिया, प्लीज गो ऑन स्पीकिंग। गाइस, जैसे 420 गेमिंग, जैसे GTX प्रीत, जैसे पारस सिंह ने अपने ही प्लेटफॉर्म पे माफी मांगी थी, आई बिलीव अगर और कोई सख्त कदम नहीं तो इनको अपने प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म से कमेंट आया उसी प्लेटफॉर्म पे एक अपॉलॉजी वीडियो डालना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वुड से। आप क्या सोचते हैं क्या करना चाहिए? क्योंकि ही शुड अंडरस्टैंड कि नागालैंड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। ऐसे जर्नलिस्ट से अगर ये चीज आ रही है तो कितने लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर सकती है, आप सोच सकते हैं। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, हर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, मेनी पीपल स्टिल वॉच टीवी, और अगर ऐसा है तो जब तक उस प्लेटफॉर्म पे सॉरी नहीं बोली जाती, ऑब्वियसली वो चीज क्लैरिफाई नहीं होगी और लोगों को समझ नहीं आएगा। व्हाट यू से, व्हाट यू थिंक, व्हाट शुड हैपन टू राहुल कवल, हाउ शुड ही अपोलोजाइज? और मैं इस बात में पूरा बिलीव करता हूं कि हो सकता है दैट कुड बी अ मिस्टेक, दैट कुड बी नॉट इंटेंशनल, बट ही नीड्स टू क्लैरिफाई दैट ऑन हिज प्लेटफॉर्म। दैट इज ऑल आई एम सेइंग। गाइस, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आई वॉन्टेड टू रिएक्ट ऑन दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थॉट हमने बहुत बात कर ली एंड नाउ पीपल विल बी अवेयर, बट जब ऐसी चीज सामने आती है तो उसके बारे में रिएक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। गाइज, ऐसे ही
रिएक्शंस अगर आप मेरे से चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, बता सकते हैं किन चीजों पे आप चाहते हैं मेरे रिएक्शंस, मेरे वीडियोस, मेरी ओपिनियंस। तो गाइस कोई भी सजेशंस है, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@thereadpeople.com पे। गाइस बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको नहीं पता लगेगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया जब भी एक न्यू वीडियो आता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया, ऑल नोटिफिकेशन चेक भी करी है, पर उन्होंने अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी। तो अगर ऐसा है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। गाइस मैं ऐसे रिएक्शंस लाता रहूंगा इस चैनल पे। आप देख रहे हैं पीपल, मैं हूं कश्यप बखर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, cheers and goodbye.